begin. Ready? Let's begin. Hey, what is up guys? Welcome back. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऋषभ के बारे में. लास्ट मंथ मैं ऋषभ गया था. ऋषभ एक छोटा सा हिल स्टेशन है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है. तो लास्ट मंथ मैं वहाँ पे गया था और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि वहाँ कैसे जा सकते हैं. वो जगह बहुत ही बेहतरीन है. तो आप अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है. आइदर आप फ्लाइट से जाना चाहो, अदरवाइज आप ट्रेन से, या फिर आप बस से जाना चाहते हैं. तो अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप इंडिया के कहीं से भी हो, आपको आइदर कोलकाता आना है, अदरवाइज बागडोगरा की फ़्लाइट बुक करना है. तो बागडोगरा जो कि नियरेस्ट एयरपोर्ट है ऋषभ जाने के लिए, और आपको नॉर्मल फ्लाइट पकड़ना है. आइदर आप कोलकाता भी उतर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा बागडोगरा जा सकते हैं. बागडोगरा से सिलीगुड़ी जो बस स्टॉप है वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो आप फ्लाइट से उतरने के बाद छोटा सा कोई ऑटो या फिर कोई जीप डायरेक्टली पकड़ के सिलीगुड़ी बस स्टॉप आ सकते हैं. अदरवाइज आप एयरपोर्ट से निकल के ही वहाँ पे बहुत सारे सुमोज मिलते हैं जो कि बुकिंग पे चलते हैं, उससे बुक करके डायरेक्ट आप ऋषभ जा सकते हैं. और आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन. तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में उतरना है. ट्रेन जो खुलती है वो सियालदह स्टेशन से खुलती है, कोलकाता की जो सियालदह स्टेशन है वहाँ से खुलती है. वहाँ से आपको ट्रेन पकड़ना है और आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन उतरना है. एक बार आप न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँच गए उसके बाद आप स्टेशन में ही आपको बहुत सारे बुकिंग की जगह मिलेगी, जहाँ से आप कोई सुमो या फिर गाड़ी बुक करके ऋषभ जा सकते हैं. अदरवाइज आप सीधा सिलीगुड़ी जो बस स्टॉप है वहाँ पे आ सकते हैं. न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है वो करीब करीब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उतना ज़्यादा नहीं है. तो आप नॉर्मली सिलीगुड़ी जो प्लेस है वहाँ पे भी आ सकते हैं, आके अपने लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. फिर नॉर्मली बस स्टॉप से आप कोई भी गाड़ी बुक करके, जैसे कि सुमो वगैरह चलती है वहाँ पे, तो सुमो बुक करके आप ऋषभ जा सकते हैं. अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस कोलकाता से सिलीगुड़ी की बहुत सारी बस है, नॉर्मल बस है, एसी बस है, इवन की गाड़ी भी जाती है वहाँ पे. तो अगर आप नॉर्मली एसी बस बुक करते हैं तो फेयर भी लगभग 800 से 1200 के अंदर आता है. और आपको शाम को अगर आप यहाँ कोलकाता की जो बस स्टॉप है एस्प्लैनेड, वो बस स्टॉप से अगर आप चढ़ते हैं तो आपको सिलीगुड़ी सुबह वो लोग पहुँचा देंगे. तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप अगर बस से जाना चाहते हैं. बस राइड इज़ कम्फर्टेबल, रोड्स आर ऑल्सो गुड. तो सीधा आपको वो बस स्टॉप उतारेंगे. बस स्टॉप से उतरने के बाद आप वहाँ पे लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. उसके बाद आप नॉर्मली जो सुमो या फिर कोई भी गाड़ी जो है उसको बुक करके आप ऋषभ जा सकते हैं. ऋषभ लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है पहुँचने में, क्योंकि टॉप में है. और ऋषभ की जो हाइट है वो लगभग 8500 फीट है. तो वहाँ पे जनरली 25 डिग्रीज टू 8 डिग्रीज की ठंडा होती है. तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा. और बीच में जो टाइमिंग पड़ता है वो लगभग 5 से 6 घंटे का पड़ता है. दो रास्ते हैं वहाँ पे, कालिम्पोंग होते हुए और दूसरा थोड़ा घूम के. तो हम लोग ने जब गया था तब वहाँ पे कुछ रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो हम लोग थोड़े से घूम के गए थे. लेकिन आते वक्त हम लोग कालिम्पोंग सिटी होते हुए आए थे. कालिम्पोंग से करीब करीब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है ऋषभ, और लावा से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है. आपको अगर जगह देखना है तो आप मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स देख सकते हैं, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा. सो ये था ऋषभ जाने के लिए, इतना ही. और आप वहाँ पे वीकेंड्स में जा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन.
walk, walk, walk along the forest. I know,